नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बिहार में चुनाव हो और लालू यादव का जिक्र ना आए, भला ऐसे कैसे हो सकता है। बिहार में तो चुनाव मतलब ही लालू यादव है। वो भले ही इस वक्त चारा घोटाला में जेल की हवा खा रहे हों, लेकिन इसके बावजूद उनके चर्चे विरोधी नेता नीतीश कुमार की रैलियों तक में हो रहे हैं, उनके नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन बिहार के इस दिग्गज नेता को लगता है उन्हीं की पार्टी ने किनारे कर दिया है। पहले खुद तेजस्वी यादव ने 15 साल के लालू राज के लिए जनता से माफी मांगी, फिर उनके चेहरे को ही चुनावी पोस्टर से गायब कर दिया गया। तेजस्वी यादव की इस रणनीति पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जबरदस्त हमला बोला है। ठीक है, 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, लेकिन हम सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। बिहार में इस वक्त धुआंधार रैलियां कर रहे जेपी नड्डा बुधवार को मोतिहारी में रैली करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी दोनों को निशाने पर लिया और कहा तेजस्वी ने पोस्टर से लालू की तस्वीर इसलिए हटाई ताकि लोगों को लालटेन युग की याद ना आए। एक समय नारा था कि जब तक है समोसा में आलू तब तक है, आपको मालूम है। आज तेजस्वी उनके सुपुत्र अपने ही पोस्टर पर लालू की तस्वीर नहीं लगाते हैं। यह है जागृति की राजनीति की अवस्था, यह हमको समझना है। कहां गया वो समोसा, कहां गया वो आलू, कहां गया वो लालू? यह बदलती तस्वीर है। क्यों हटाई तस्वीर? इसलिए हटाई तस्वीर क्योंकि मोदी जी ने बिहार को और देश को लालटेन युग से निकालकर एलईडी युग तक पहुंचा दिया है। इसका परिवर्तन का नतीजा है जिसको समझना था। इसलिए उनको अपने पिताश्री को भी भूलना पड़ा, सब साफ सुथरी राजनीति को लाना पड़ा। जेपी नड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने जेल की हवा खा रहे शहाबुद्दीन के बहाने भी बिहार की जनता को लालू राज के अपहरण कांड की याद दिलाई और कहा कि लालू के राज में शहाबुद्दीन दंदनाता रहा और नीतीश के सीएम बनते ही वो जेल में चला गया। ये गठबंधन बना है ना आजकल, ये भी बड़ा जोरदार है, बहुत जोरदार। एक तरफ वो है माले, टुकड़ा टुकड़ा गैंग है कि नहीं है? मैं गलत तो नहीं बोल रहा भाई? विध्वंसकारी है कि नहीं है? समाज को बांटने वाले हैं कि नहीं है? और दूसरी तरफ है राजद। ये कौन है राजद वाले जो पिता की तस्वीर को पोस्टर से हटा दे? ये कौन है? आप शहाबुद्दीन को भूल गए क्या? याद है कि नहीं? ये वही था ना जिसने दो भाइयों को तेजाब में जला दिया था? ये वही था ना जब तक लालू मुख्यमंत्री रहा तब तक शहाबुद्दीन दंदनाता रहा? और ये सच्चाई है कि नहीं है कि जिस दिन नीतीश कुमार भारत के बिहार के मुख्यमंत्री बने उस दिन शहाबुद्दीन जेल के पीछे हो गया? ये सच्चाई है कि नहीं है कि 5 बजे के बाद और 6 बजे के बाद आप मोतीबारी बाजार नहीं घूम सकते थे? ये सच्चाई है कि नहीं है? ये सच्चाई है कि नहीं है कि कोई डॉक्टर पता नहीं शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा? यह सच्चाई है कि नहीं कि अपहरण उद्योग बन चुका था? मित्रों, ये चुनाव कोई राधा मोहन जी का चुनाव नहीं है, संजय जायसवाल का चुनाव नहीं है, ये हमारे विधायकों के प्रत्याशी का चुनाव नहीं है, ये बिहार को उजाले की ओर ले जाने वाला, यह अंधकार में ढकेलने वाला चुनाव है। इसको आपको तय करना। चुनावी पोस्टर से गायब लालू की तस्वीर को बीजेपी ने मुद्दा बनाया तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस पर कहते हैं कि लालू यादव तो जनता के दिल में रहते हैं, उनका पोस्टर में होना ना होना कोई मसला नहीं है। तेजस्वी यादव ने लालू यादव को मास लीडर बताते हुए कहा कि इस बार चुनाव जनता बनाम सरकार हो चुका है। साल 2015 में नीतीश के भरोसे सत्ता का स्वाद चखने वाली आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इस बार फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि सरकार तो आरजेडी गठबंधन की ही बनेगी। ये अलग बात है कि तमाम ओपिनियन पोल एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं।